दर्शकों, कल रात को श्रीदेवी का हार्ट अटैक से मौत के बाद पूरा बॉलीवुड सन्नाटे में है, पूरा सब जगह काफ़ी दुख भरा माहौल है। इसमें हमारे साथ बात करने के लिए अली खान साहब हैं, जो खुदा गवाह काफ़ी सारी फिल्में की हैं श्रीदेवी के साथ में, बात करते हैं। अली जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे श्रीदेवी के बारे में? श्रीदेवी जी के आज निधन हो गया है दुबई में, आपने काफ़ी काम किया उनके साथ में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत यंग एज में उनकी मौत हुई है सडनली, और पूरी इंडस्ट्री ने, बल्कि जितने भी उनके चाहने वाले हैं, आज सब ने शोक की लहर दौड़ी है। सब लोग सख्ते में है कि ऑल ऑफ सडन वो गई थी एक शादी के समारोह में और सडनली उनकी मौत हुई हार्ट अटैक से, तो ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। श्रीदेवी जी एक ऐसी चंचल अदाकारा थी जिन्होंने बचपन से रोल शुरुआत की थी और एक ज़माने तक टॉप पे रही वो, और बहुत वर्साटाइल एक्ट्रेस थी, बहुत सारी फिल्मों में किया, हिंदी फिल्में तो एक इतिहास रच दिया उन्होंने, तमिल में किया, तेलुगू में किया, कन्नड़ में किया, मलयालम में किया, और बहुत मतलब इतनी मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस थी वो, डांस के मामले में बहुत लाजवाब थी। तो आज पूरा देश जो है वो सख्ते में है, एक कम उम्र में उनकी डेथ हुई है, 54-55 साल की उम्र में, और मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि उनके साथ मैंने रूप की रानी, चोरों का राजा में काम किया था, मैंने उनके साथ खुदा गवाह, जिससे मेरी एक पहचान बनी। हम आपको रोकना चाहेंगे, खुदा गवाह जो है मूवी आपके लिए मील का पत्थर साबित हुई। एक यूपी से अली खान जब मुंबई पहुंचते हैं, बिहार से, एक छोटे से कस्बे से, गांव से पहुंचते हैं, आपकी लाइफ में कितना योगदान रहा खुदा गवाह का? एक एक्सपोजर मिला आपको मुंबई जैसे शहर में, एक पहचान मिली आपको, उसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अमिताभ बच्चन जी और श्रीदेवी जी के साथ मेरा, मुझे काम करने का मौका मिला। मेरे कैरेक्टर का नाम था हबीबुल्ला, जिससे पहचान बनी, और ये फिल्म एक मतलब चूँकि दो बड़े कलाकार थे, सुपर डुपर हिट हुई थी, और इस फिल्म से वाकई मेरी तकदीर के सितारे खुल गए और पूरा हिंदुस्तान अली खान को जानने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो हादसा हुआ है श्रीदेवी जी के साथ, एक मैं समझता हूँ कि एक पहला ऐसा हादसा जैसी एक्ट्रेस के साथ हुआ होगा, इतनी कम एज, इतनी, और वो भी हमारे मुल्क से बाहर में उनकी डेथ हुई है। आपको कैसा लगा जिस टाइम ये हुआ? बहुत किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि रात को 2 बजे मैसेज मीडिया में, एक मैसेज वायरल होता है, तो आपको क्या लगा कि इस बारे में, मतलब कितना दुख हुआ आपको कि इस बात को सुन? मेरा कल, मैं चूँकि सूरत में था गुजरात में, मेरा कल पैकअप हुआ वहाँ रात को, और वहाँ से ट्रैवलिंग से मैं जैसे यहाँ 4 बजे पहुँचता हूँ और मैसेज आता मोबाइल पर कि श्रीदेवी जी की डेथ हो गई, तो यकीन नहीं हो रहा था कि, चूँकि बहुत से लोग फॉल्स र्यूमर भी उड़ाते हैं, तो मुझे लगा कि कुछ र्यूमर है ये, लेकिन कंटिन्यू मैसेज आते रहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और फिर चैनल पे जाके चैनल टेलीविज़न ऑन किया तो उस पर भी न्यूज़ आई, तो फिर यकीन हो गया कि नहीं, ये सच्ची घटना। अभी 10 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले यारी रोड में एक गरीब बच्चों के लिए रोटी भाजी योजना का एक उद्घाटन किया था, और मतलब ये चीज़ें हो नहीं सकती थी, तो ये इंडस्ट्री को कितना बड़ा झटका लगा है, एक कितना बड़ा एक कलाकार को खो दिया बॉलीवुड में, क्या कहना चाहिए? देखिए, कुछ वाकई मैं सच्ची बताऊं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अचानक, कभी कभी ऐसे हादसे होते हैं तो इंसान की समझ से बाहर की बात होती है कि इतना बड़ा मतलब कैसे हो गया, ये इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था। और श्रीदेवी अभी तो बहुत कम एज थी, उनको बहुत सारे काम करने थे, और बस इट्स वेरी सैड एक्चुअली, एक बहुत दुख की बात है, और मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के ये लोग नहीं, पूरा हिंदुस्तान, बाहर के लोग जो उनके चाहने वाले हैं, आज वो सदमे में। पहले अभी हाल ही में उनकी कोई मूवी आने वाली है उनकी बेटी की, उससे पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए हैं, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये, मतलब क्या कहना चाहेंगे? उनकी मूवी अभी हाल ही में, उनकी बेटी की मूवी आने वाली थी मोम, में उन्होंने फिर से शुरुआत की थी इंडस्ट्री में। मोम फिल्म के बाद बहुत सारे ऑफर्स उनके पास आने लगे थे, लेकिन वो बड़ी चूजी थी, वो चाहती थी कि मैं अब सिलेक्टेड रोल करूं जो मेरी पर्सनालिटी को, मेरे कैरेक्टर को सूट करे, तो ये फैमिली उनकी तो सदमे में है, फैमिली का तो बड़ा लॉस है ही, बहुत सारे उनके जो चाहने वाले हैं उनका बहुत बड़ा लॉस है, और मैं समझता हूँ कि इसकी भरपाई
बहुत मुश्किल है। सर अली खान जी इस बात को शायद जिंदगी भर तक नहीं भूल पाएंगे कि जो आज खड़े हैं एक लोखंड वाला जैसी बड़ी बिल्डिंग में, शायद ये कहीं ना कहीं श्रीदेवी का योगदान हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे इसके? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि दो महान कलाकारों के साथ मैंने काम किया और जिसकी वजह से मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और मेरी एक पहचान बनी, और मैं इन खास के हमीद जी और श्रीदेवी जी को सारी ज़िंदगी याद रखूँगा। हबीबुल्ला खान, कोई सर ऐसा वाक्य बताएंगे दर्शकों को जो उस टाइम का कोई ऐसा वाक्य जो आज काफ़ी आपको बार बार सोचने को मजबूर कर रहा हो, किस तरह की हीरोइन थी? भाई जैसे शूटिंग में ये है कि जब जो मैंने कई दफ़े उनका मैं अक्सर जब शूटिंग पे जाता था और इतने महान कलाकार अमीर जी के साथ इतने डट के काम करना, इतना मुकाबला करना और इतना अच्छा परफॉर्म करना, तो मैं देखता रहता था कि कितनी टैलेंटेड ये हैं कि बच्चन साहब के सामने कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे वो गाना था, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा खुदा गवाह। इस गाने पे जो चुलबुली हरकतें और जो परफॉर्मेंस थी, लाजवाब, मैं बता नहीं सकता। सर अब तो खुदा ही गवाह रह गया है, हमसे बात कर नहीं सके, ये कट करना। ये थे हमारे साथ अली खान साहब। सर हमसे बात करने के लिए लाइव टुडे के लिए शुक्रिया। कैमरामैन फाद के साथ पवन भारद्वाज, लाइव टुडे मुंबई। नमस्ते दोस्तों।